राष्ट्र के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय देवगुड़ा ने राज्य पर आए कुदरत के कहर से जूझने के लिए बेहतर हेलीकॉप्टर की मांग की है। इस मांग से राहत अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों की शहादत की याद ताजा होती है। 25 जून को हुए हादसे में 20 योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई, इनमें से 9 NDRF के थे और इस फोर्स के गठन के बाद इतनी बड़ी क्षति पहली बार हुई है। इसलिए सहयोगी मीना शर्मा की खास रिपोर्ट। जाने देश में ऐसे कितने परिवार हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि काश कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा हो कि केदारनाथ पहुंचे उनके परिजन दर्शन कर वापस लौट आएं। गाजियाबाद स्थित NDRF की 8वीं बटालियन भी इंतजार कर रही है अपने उन साथियों का जो बचाने गए थे विपदा में फंसे लोगों को, लेकिन अपनी ही जान गंवा बैठे। आपदा सेवा सदैव, इस मकसद के साथ 2006 में अस्तित्व में आया राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF हर वक्त संकट की घड़ी में लोगों की मदद को तैयार रहता है। उत्तराखंड त्रासदी में केदारनाथ पहुंचने वालों में भी सबसे आगे थे NDRF के अफसर और जवान। दुर्गम इलाकों में फंसे 1,00,000 से ज्यादा लोगों की सेना के साथ मिलकर जान बचाई तो कई बार खुद की जान जोखिम में डाली। बचाव कार्य को जब ये जांबाज पीछे मुड़कर देखते हैं तो संतुष्टि होती है, लेकिन अपने 9 दिले साथियों की शहादत का गम इन्हें आज भी सालता है। सबको आगे आकर इंस्ट्रक्शन देना, ऑर्डर्स देने, उनको कंप्लाई करना, कहीं प्रॉब्लम आ रही तो उसको शॉर्टअप करना, उनका वो नेचर में था। और यही नहीं, केदारनाथ में मैं 19 तारीख को लैंड हुआ था, 19 जून को लैंड हुआ था और सर भी हमारे साथ 19 जून को ही लैंड हुए थे बाद में सेकंड फ्लाइट में, और तब से लेकर के 25 तारीख तक एक्सीडेंट के दिन तक हम लोग साथ रहे। और वहाँ भी सर ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय था, चाहे वहाँ पर 1800 से अधिक लोगों को वहाँ से रिलोकेशन की बात हो या 50 से ज़्यादा डेड बॉडीज को रिकवर और मार्क करने की बात हो, उनके क्रीमेशन की बात हो, मंदिर की संस्कृति को रिस्टोर करने की बात हो, सब जगह सर का बहुत बड़ा योगदान था। गणेश के बारे में स्पेशली बताना चाहूँगा मैं, गणेश एक जूडो के प्लेयर भी थे, एक क्विंटल वेट था उनका और यूनिट में क्रिकेट भी अच्छे खेलते थे, हर चीज़ में उनकी कमी महसूस करते और बहुत ही अच्छे आउटस्टैंडिंग सोल्जर थे। इस यूनिट सेकंड कमांड नित्यानंद यूनिट के सबसे कर्मठ अधिकारी में से एक थे और विकट स्थिति में सबसे आगे रहने वाले भी। कर्नाटक से आने वाले कांस्टेबल बासवाराज पर अपने बूढ़े माँ बाप और बहन की शादी की जिम्मेदारी थी। सभी की कहानी कुछ ऐसी ही है, पर फर्ज निभाने में इनमें से कोई पीछे नहीं हटा। उनके प्यार परिजन और घर वालों को नाज है, लेकिन जरूरत है कि देश और समाज भी उनके बलिदान का सही मूल्यांकन करें। हम लोग तो एक डिसिप्लिन फोर्स के सोल्जर हैं और हमें जो डायरेक्शन जो आदेश मिलता है हम उसको अपना पूरा करते हैं। उसमें जो आदेश है उसमें कई बार जो है वो लाइफ रिस्क भी होता है, परिवार को ये उसके होने जाने के बाद अगर बेनिफिट्स मिलते हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो है हमारा पहला उद्देश्य था वहाँ की आपदा में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना। नौजवानों की अफसर की मौत ऐसे गवा ना जाए और हमें उसको लक्ष्य को जो हमने बनाया था कि केदारनाथ सेक्टर से जो भी जीवित हो उनको निकाला जाए, तो वो हमने अपने मन में बनाया और ये हमारी आगे की जो इनकी शहीदी है तो हमें उससे एक सबक मिलता है कि ये फोर्स अपने लक्ष्य में अपने मिशन में कभी फेल नहीं होगी। NDRF के जवान हेलीपैड और सड़कें बनाने से लेकर बॉम्बिंग ऑपरेशन तक वो सब कुछ करते हैं जो सेना के जवान करते हैं, पर NDRF के इन जवानों के मन में एक पीस है। उनके साथियों के बलिदान को सरकारी रिकॉर्ड में उस तरह शहादत का दर्जा नहीं मिलता है जैसे सेना के जवानों और अफसरों को मिलता है, क्योंकि सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के मापदंड अलग अलग है, जीवन में भी और सर्वोच्च त्याग यानी मृत्यु के बाद भी। समर्पण के साथ सेवा को हर वक्त तैयार रहने वाली NDRF की ये टीम अपने साथियों की शहादत को सलाम करती है तो व्यवस्था से गुजारिश की कि बदलते वक्त के साथ उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए। इस समय गाजियाबाद से कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मीना शर्मा, गुड न्यूज। और भाई एक नजर आ लेते हैं देश भर की कुछ और अहम खबरों पर।